बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगी में, रिस्क में, सेहत में बरकत दे और सबसे अहम बात खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। मत छोटी छोटी बातों को पकड़ के आप लोग ज़िंदगी को मुश्किल बनाएं। अच्छा, तो आज आप देख लें कि मेरे पास है क्यूट प्लस की वाइट सीरीज़, ठीक है। इसका मैं आप लोगों को पहले भी एक रिव्यू दे चुकी हूँ और उसमें भी मैं आपको इसको मेंशन कर चुकी हूँ कि आप लोगों ने इसको किस तरह से बनाना है। खैर, ये मेरे पास एक मास्क है, ठीक है, जिसको मेरे बेटे ने पेंसिल से अपने अपने कारनामे जो है वो बताए हुए हैं कि मुझे ये लिखना आ गया है। छोटा है, वो लिखना सीख रहा है, तो खैर कोई बात नहीं, हम लोगों ने तो अंदर का मवाद लेना है। तो बॉन्टिनी का मास्क हम लोगों ने लेना है, वाइट मास्क है और यह है मतलब एक फार्मूला मास्क है। इसका हम लोगों ने किस तरह से तैयार करना है, किस तरह से इसको बनाना है, तो आज हम इसमें पूरी एक तरतीब देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखने की सॉफ्ट पील ऑफ मास्क है, ठीक है। बोनिटिकल स्किन ब्राइटनिंग एजेंट्स इसमें शामिल है, जो आपकी स्किन को क्या करता है, लाइटिंग का काम करता है और जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसको फेयर कर दिखाता है। ये 30 ग्राम का एक पैकेट होता है, ठीक है। आपने जिसमें 90 ml का पानी डालना है, ठीक है, उस पाउडर में, और फिर आपने उसको फ़ौरन जल्दी जल्दी से उसमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने उसको फ़ौरन एक ब्रश की मदद से अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। वैसे आप इसको अपने नेक पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप इसको 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दें, जब वो ड्राई हो जाएगा तो आप उसको 1 पीस में, यानी कि आप पिल ऑफ कर लें। वैसे 1 पीस में बहुत मुश्किल होता है, सब लोग इसको नहीं कर पाते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने इसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए हुए हैं, यहाँ पर इसकी एक्सपायरी डेट वगैरह मेंशन है और ये 30 ग्राम का है, 2025 में ये क्या होगा कि एक्सपायर हो जाएगा। तो खैर, अब हम लोगों ने देखना है कि हम लोगों ने इसको किस तरह से बनाना है। मैं इसको ओपन करूँगी और आपको करके दिखाऊँगी कि हमने जो ये मास्क बनाया है क्या इसने वाकई स्किन वाइटनिंग का काम किया है या नहीं। वैसे आप लोगों को एक बात बता दूँ, पते की बात कि जो क्यूट प्लस है इसका जो फेशियल सेट है वो वाकई में बहुत अच्छा है और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मेरी तरफ से खुली इजाज़त है क्यूट प्लस का फेशियल मास्क, फेशियल जो आप लोग करना चाहते हैं यूज़ तो करो। तो जनाब, आ जाओ, आप अपने काम की तरफ आ जाते हैं। आ जाओ यार अपने काम की तरफ, स्लो स्लो काम मत करो, जल्दी आओ जल्दी आओ। अच्छा, तो चले, अब हम लोगों ने क्या लेना है, एक बाउल लिया है, इसके साथ हमें एक चाहिए होगा एक ब्रश और थोड़ा सा पानी। मैंने आपको सिर्फ ये बताना है कि ये वाकई वाइटनिंग का काम करता है या नहीं करता, तो फिर मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी ना कि अगर इसे हमारी स्किन को वाइट नहीं किया तो हमें क्या फ़ायदा कि हम लोग इसको रेकमेंड करेंगे। वाइट सीरीज का क्यूट प्लस का मास्क है, मैंने इसको कैंची की मदद से काट लिया। आप देख लें कि मैंने इसको सीजर से कट 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 कर दिया है। अच्छा, अब इसमें सारा जो पाउडर है वो 1 टाइम यूज़ का है, क्योंकि इन्होंने एक मकदार को, एक क्वांटिटी को अच्छे से बता दिया है। आपने इसमें जितना भी पाउडर है वो तमाम का तमाम इसमें डाल लें और 90 ml आपके पास। अक्सर मैं आपको किस तरह से इसकी एग्जाम्पल दूँ, मैंने ये ml किस तरह से यानी के नापे हैं आप लोगों को वो तरीका भी बता दूं। जो मेडिसिन होती हैं, बच्चों की दवाइयां आती हैं जो पाउडर बनाने वाली होती हैं, उसमें छोटी छोटी आपके पास डब्बी होती हैं जिस पे 15 ml लिखा होता है, 7 ml, 10 ml। तो मैंने वो छोटी छोटी सी जो हैं वो संभाल के रखी हुई हैं। उसे मैंने क्या किया कि जो मेरे पास 15 ml वाली की छोटी सी एक ग्लासी थी, उससे मैंने यानी कि 90 ml पानी को नाप लिया। फिर मैंने क्या किया कि वो इसमें तमाम का तमाम डाल देना है, जो पानी मैंने पहले से ही एक पैमाइश करके रख ली है, ठीक है। अंदाजे से ये देखेंगे आप, ये देखने के ना, ये 90 ml का इतना पानी है, ये मैंने इसमें, ये अपनी छोटी सी बेटी की ग्लासी में डाला है मैंने पानी, ठीक है ना भाई। मैं भी एक आम सी ही आप लोगों की तरह ही हूँ और आप लोगों को गाइड करने के लिए कोशिश करती हूँ कि अच्छी से अच्छी चीज़ आप लोगों को बताऊँ। अच्छा खैर, अब ये देखें मैंने इसमें पानी डाल लिया और इसको मैं अब अच्छे से मिक्स करूँगी। मैंने थोड़ा थोड़ा डाला कि एक ही दम में वो सारे ये ना हो के पाउडर फॉर्म में हो जाए, अगर वो हो जाए, मैं थोड़ा सा इसमें बाद में भी मिक्स करूँगी। अब कोशिश ये करनी है, सॉरी एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है, वो थोड़ा पाउडर को कुछ ज़्यादा हीट हो गया। तो अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसको मैं अपने हाथ पर अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको कि ये मैंने किस तरह से किया है। जब मैं कोई वीडियो बनाने बैठती हूँ ना, तो मेरा कोई ये मकसद नहीं होता कि मैं प्रॉपर एक अपना एक टाइम लेके आ रही हूँ, पूरा मुझे टाइम निकालना है, तैयारी करनी है। ये देखिए, जब मुझे आपको कोई बात बतानी होती है तो मैं फ़ौरन से आती हूँ और उसको आपको बात को बताने के लिए, ठीक है, और अप्लाई कर देती हूँ। अब मैं कैमरा स्टैंड नहीं निकाला, इसको किस तरह से अप्लाई करूँ। खैर, मेरे एक हाथ में ये था कि पकड़ा हुआ था, तो मैंने इसको अपने हाथ पे अप्लाई कर लिया है, ठीक है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट तक के लिए हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा जब आप इसको अपने फेस पर अप्लाई करें ना, तो आप जिस यानी कि आपने अगर सीधी लेटी हुई है तो आप इसको अपने फेस को सीधा ही रखें,
उसको मत हिलाएं जुलाएं, क्योंकि फिर इसमें ना क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। जब इसमें क्रैक्स आ जाते हैं तो वो जो आपका मास्क है वो एक वन पीस में नहीं उतरता, वो टोटे टोटे होके उतरता है। खैर ये देख लें कि मैंने ये ड्राई हो गया, ड्राई होने के बाद एक मिनट कहाँ गया, ये देखें ये मैं ले आई हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ से आप देखें कि मैं इसको ना उतार के आपको दिखा रही हूँ। ये मेरा जो है ये वन पीस नहीं उतरेगा, क्योंकि मैं बच्चे का फीडर तैयार करने के लिए चली गई थी जी, मेरे हाथ में मास्क लगा हुआ था, क्या करती, मुझे थोड़ा सा काम भी था ना, बेबी रो रहा था तो उसको भी तो नहीं रोने देना ना, है ना मेरे दोस्तों। तो मुझे पता है कि मेरी बहनें इस बात को बुरा नहीं मनाएंगी, क्योंकि वो भी यही चाहती हैं कि मैं अच्छा काम करूं। तो अच्छा काम करने के अलावा मैंने आप लोगों को बताया भी है। अच्छा ये देखें, आपने ये वन पीस में उतारा है, वो उसमें सॉरी पीसीज में उतारा है, क्योंकि मेरा हाथ हिलता रहा है तो वो हरकत में रहा है, तो वो एक वन पीस नहीं बन सका। ये अगर आप उतारेंगे तो एक थिक लेयर अपने फेस पर लगा लें, ठीक है। थिक लेयर लगाने के बाद वो बिल्कुल वन पीस में उतरेगा। ये थोड़ी सी मुझे थिन लग रही है, आप उसको थिक लगाइएगा। अच्छा ये मैं उतार रही हूँ, अब हम देखेंगे क्या इसने वाकई वाइटनिंग का काम किया है या नहीं किया। अगर ये वाइटनिंग का काम करता है तो मैं आप लोगों को रेकमेंड कर दूँगी, और अगर इसने वाइटनिंग का काम नहीं किया तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी। लेट्स सी कि हाथ पे अब क्या निकलता है, नीचे से फ़र्क आता है या नहीं आता। तो आप इसके तमाम पीसीज इस तरह से आप इसको फेस से वॉश कर लें, अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा उतार के। अगर आपको लग रहा है कि आपके इनके जैसे मैं स्किन में मैं वो खींच रही हूँ, तो मुझे थोड़ी सी होता है कि जैसे स्किन खींच रही हूँ, क्योंकि मैं इसको ज़रा जल्दी में उतार रही हूँ। ये देखिए आप इसको ऐसे उतारेंगे आराम आराम से धीरे धीरे, तो ये वन पीस में भी उतर जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। प्यार से, प्यार से हर काम, प्यार से, केयर से, मोहब्बत से कीजिए तो ज़रूर आपके काम बनेंगे। अच्छा दोस्तों ये देखें जी, ये देखें ये हमने उतार लिया है। हाथ को मैं आगे लेके आना चाह रही हूँ, मैं आपको दिखा सकूँ। ये देखें ऑलमोस्ट आप ये देख लें कि ये तमाम का तमाम उतर चुका है। आप देख सकते हैं कि कितना इसमें डिफरेंस है, यानी कि अब मैंने मास्क जो उतारा है उसमें मैं जो हैंड का ये एरिया जहाँ जहाँ मैंने मास्क लगाया था वहाँ पे जो स्किन है वो वाकई में वाइट हो चुकी है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को क्यूट प्लस का बोनिटी का मास्क वाइट सीरीज़ वाला आपको रेकमेंड करती हूँ कि आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इस वीडियो में आपको तमाम तरीका बता दिया कि आप लोगों ने कितना पाउडर लेना है, ठीक है, और कितना आपने पानी लेना है, कब कब आपने उसको यानी कि लगाना है और किस तरह उसको उतारना है। इसके अलावा तमाम डिटेल आज की वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने इसको किस तरह से बनाना है। तो दोस्तों अब आप लोगों ने क्या काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, और अपना बहुत ख्याल रखना है। फिर क्या करना है, दुआओं में भी याद रखिएगा, अपने आप को भी और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।